बहुत साल पुरानी बात है, एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौआ कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट कोबरा सांप भी रहता था। कौआ कौवी का जोड़ा बहुत आराम से गुजरसर कर रहा था। इसी बीच कौवी ने अंडे दिए, दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कौवी अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द हो वो समझ की हो न हो, यह काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कौए ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया, अब हमें शत्रु का पता चल चुका है तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। कौए ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौआ उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम-बकाम का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौआ हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौआ सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौए ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। कौआ कौवी बेहद खुश थे। सीख, शरीर से आप भले ही कमजोर हो, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।